आइसोलेशन वार्ड में कोरोना मरीजों के खाने में लंबा घोटाला किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यूपी के बांदा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांदा में कोरोना मरीजों के लिए बने मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में मरीजों के खाने को लेकर लंबा घोटाला हो रहा है, साथ ही उनके सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब मरीजों ने इसका वीडियो वायरल किया तो जिले में हड़कंप सा मच गया। बात अगर खाने की स्थिति की करें तो खाने की स्थिति बहुत खराब है। सीधे तौर पर मरीजों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर बात डॉक्टरों की माने तो मरीजों को पौष्टिक वाला भोजन मिलना चाहिए, फिर भी उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। पूरा मामला बांदा मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड का है, जहां पर कोरोना मरीजों को भर्ती कर उनके इलाज और खाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की होती है। ऐसे में मरीजों को घटिया खाना मिलने से नाराज मरीजों ने खाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिस कारण जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दादा खाना कब से नहीं मिला तुम्हें? खाना तो कल रात में दिया था, फिर बाद में नाश्ता 11:30 बजे 7 बिस्कुट आया है, उसका पार्ले जी का छोटा वाला पैकेट 2 रुपए वाला 2 रुपए वाला। और अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी दो बज रहे। मतलब सुबह से केवल एक चाय मिली है तुमको, बिस्कुट 2 रुपए वाला 2 रुपए वाला अब खाना आया 2 बजे। चलो ठीक, नाम क्या है आपका? विजय कुमार। सर, राजकीय मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो वायरल हुआ है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों के द्वारा वायरल किया गया है, खाने के संबंध में क्या प्रकरण है उस पर आपके संज्ञान में आया होगा? ये वीडियो मेरे संज्ञान में अभी आया है। उसमें जो खाना मिल रहा है उसकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड बताई गई है, तो इसमें मैंने प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई है। प्रिंसिपल साहब का ये कहना है कि जो मरीजों को खाना दिया जा रहा है उसका उनके यहाँ का टेंडर 48 रुपये प्रतिदिन, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात्रि का भोजन 48 रुपये का टेंडर है उसका। सरकारी रेट 48 रुपये में 3 टाइम का खाना दिया जाएगा, अब वो क्वालिटी तो उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाएगी मेरे विचार से। इसमें और भी जांच करा के हम शासन को लिखेंगे, कुछ इसकी रेट बढ़ाई जाए या दूसरा टेंडर कराया जाए जिससे मरीजों को अच्छा खाना मिले। जी जी, जैसे कि पौष्टिकता का जो है भरपूर स्वास्थ्य विभाग समर्थन भी करता है कि पौष्टिक जो है मरीजों को भोजन मिलना चाहिए, उसके बावजूद भी भोजन नहीं मिला। आपके द्वारा बताया गया 48 रुपये एक डाइट का है? नहीं, पूरे दिन का सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम का जो टेंडर है पूरे दिन के खाने का, चिकित्सा शिक्षा से जो प्रिंसिपल साहब का टेंडर है वो 48 रुपये का है, उसी के अनुसार दी जा रही है। उसमें मैंने बात की है और शासन को लिखा जाएगा, थोड़ा टेंडर हो तो कुछ बेहतर उसमें भोजन प्राप्त हो सके।